स्टेट न्यूज 71 में आप सभी का स्वागत है। आज सुबह सवेरे ही गांव पीर भोली की रोड पर दो डंपरों की चपेट में आने से दो युवक जो कि गांव मंगलोर के रहने वाले थे, दिहाड़ी मजदूरी करने वाले दो युवकों की जो है अकाल मृत्यु हो गई है। दोनों डंपर की चपेट में आने से तत्काल उनकी सड़क पर ही मौत हो गई है। एक दुखद घटना जो है आज सुबह सवेरे गांव पीर भोली जो कि गांव रत्तूवाला सढ़ौरे की तरफ से रोड पर जाती है वहां पर ये दुर्घटना घटी है। दोनों डंपर के ड्राइवर वहां मौके से फरार हो गए हैं और पुलिस पहुंच गई है, डंपरों को कब्जे में ले लिया है। ये दोनों लड़के मंगलोर गांव के नज़दीकी गांव हैं, इसी गांव के रहने वाले थे मंगलोर के, और ये दिहाड़ी करने वाले मजदूर लड़के नौजवान 27 से 28 साल की उम्र इनकी, ये दिहाड़ी करने के लिए गांव से अपने सढ़ौरा की तरफ जा रहे थे तो अचानक सामने से डंपर आया। एक डंपर ने दोनों को अपने लपेटे में ले लिया, अचानक फिर दूसरा डंपर पीछे से आता और दूसरे डंपर की चपेट में भी दोनों लड़के आ जाते हैं और मौके पर ही इनकी मौत हो जाती है। देख सकते हैं बहुत एक बड़ी ट्रेजेडी, मंगलोर गांव के दो लड़के सुबह सवेरे दो डंपरों की चपेट में, एक डंपर नहीं दो डंपरों की चपेट में आते हैं। लगातार मांग की जाती है डंपरों को रोकने की, जो अनियंत्रित डंपर हैं अनाड़ी लड़के इनको चलाते हैं और बिना कानून की धज्जियां उड़ाते हुए मापदंडों को पर खरा नहीं उतरते और काफ़ी ओवरलोडेड ये डंपर होते हैं और इसकी चपेट में आज ये आगे। पहले सढ़ौरा में भी कुछ लोग इनके चपेट में आए, एक बच्ची भी चपेट में आई थी और आज दो युवक जो गांव मंगलोर के मजदूर दिहाड़ीदार जो कि अपने बच्चों को पालन पोषण करने के लिए दिहाड़ी करने के लिए जाते थे और आज उसी प्रकार से वो दिनचर्या में गए और फिर वो मौत का शिकार हो गए। परिवार ने सोचा भी नहीं था कि इस प्रकार से उनके लोगों के साथ जो कि उनके घर का पालन पोषण करते हैं उनके साथ ऐसा कुछ बीत जाएगा, तो ऐसा कुछ हो गया है और दोनों के दोनों युवक मौके पर ही उनकी जो है मौत हो गई है। दोनों डंपरों को पुलिस ले गई और साथ इनकी डेड बॉडीज को भी जो है अब पुलिस ले गई है। तो एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी यहाँ पर हुई है। कितनी उम्र है लड़कों की? हाँ जी, कितनी उम्र के हैं? जो 27-28 साल का जी छोकरा। अच्छा हाँ जी, तेरे लड़के कितनी है भाई? 25 साल का होगा। शादी शुदा है दोनों? हाँ जी, दोनों शादी, एक पता बच्चा जी मेरे घर का, दो लड़कियां जी मेरे पता, दो लड़कियां। हाँ जी, क्या नाम आपके लड़के का? सुशील कुमार जी। और आपके लड़के का? शेर सिंह। शेर सिंह, तो फिर क्या होया, क्या था? बाजी हम सामने कर मार का जान का मारा जी ने, डंपर वाले ने जी। अच्छा, अपनी साइड में थे बिल्कुल, वो अपने गांव से बाहर जा रहे थे। हाँ जी, बाहर जा रहे थे। कहाँ पे? डैडी पे काम पे जा रहे थे। सड़ोरे जाते थे चले। क्या काम करते थे? दिहाड़ी कराते जी, मजदूरी। डंपर वाले उधर सड़ोरे की तरफ से अंदर जा रहे थे चले जी, तो उसके नीचे टक्कर मारी सामने। टक्कर मारी सामने है बिल्कुल। अच्छा, पुलिस वाले ने कह दिया कि बिल्कुल इनकी डंपर वाले की गलती है। डंपर वाले गलती है। हाँ जी, तो नीचे आगे फिर एकदम नीचे से जी, मोटरसाइकिल भी टूट गई है, पूरा कर दिया। मौके पर ही मौत होगी फिर उनकी? मौके पर तो नहीं, दो चीत। अच्छा जी, हाँ जी, कुछ नहीं है जी, उनको एम्बुलेंस लेगी, टैके एम्बुलेंस लेगी उनको। हाँ जी, डेड बॉडी उनकी है। हाँ जी, ठीक है। तो यहाँ पर जो डंपर स्त्री चला जी यहाँ से आम रूटीन में, क्योंकि सड़क भी आपकी है जी, रेल में चला डंपर दे पूरे है ना, पूरी स्पीड जा रहा है। तो कभी पहले शिकायत कराई आपने के यहाँ पे? पहले शिकायत तो कभी कराई नहीं। पहले क्या कह रहे जी आप? अच्छा, रोके थे? अच्छा, ये एक्सीडेंट पहले भी कराया उन्होंने कभी पहले? टक्कर लग रही चौक का, बच गया था ये, तो फिर आपने रुकवाया उनके भाई? हां, यहां रुकवाए थे जी मोड़ पर। अच्छा, तो कुछ नहीं, तो किस टाइम हुआ वाक्य ये? सुबह 8:30 बजे। ठीक ठीक, मजदूरी भी दाड़ी करने जा वाले, सारा काम देखना पड़ा। बिल्कुल बिल्कुल, तो है ही जी बात, बिल्कुल अंदर राम से चलाना चाहिए। एक टिकट ही करे पहले, एक टी चढ़ कर दूसरी भी चढ़ी पहले। दो गाड़ियां थी क्या? दो थी जी। ओहो, अच्छा, दो डंपर चढ़ा जी, फिर दूसरा चढ़ा डंपर पीछे चटाया जी। ओहो, पहले एक चढ़ गया मार गया आगे ले गया, फिर दूसरे वाला ले गया, दूसरे वाला गया तो फिर चढ़ का पीछे वापस करा, फिर उन्होंने उसके बाद पुलिस आई ब्रेक मारे नो से ब्रेक मारे यहां। बहुत बड़ी ट्रेजेडी है। तो भाई हां, पर भोली की तरफ, गांव की तरफ, बांसे वाले गांव की तरफ रोड जाती है और ये सढ़ौरा की तरफ रोड जाती है। इस रोड पर ये एक्सीडेंट हुआ है, एकदम से ये रोड मुड़ता है रत्तूवाला गांव की तरफ से अंदर और यहां पर ये एक्सीडेंट हुआ है। बड़ा ही दर्दनाक एक्सीडेंट, आप देख सकते हैं कि उसके एक्सीडेंट के जो है पड़े हुए हैं, उसके टूट फूट मोटरसाइकिल की जो यहाँ पर हुई है
खून के निशान भी यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। तो एक बहुत ही बड़ी ट्रेजेडी यहाँ पर हुई है और दो युवक जो है उसके मौत का शिकार हो गए हैं। रोड की चौड़ाई कम है और ऊपर से डंपर अनियंत्रित रूप से चलते हैं, तेज रफ्तार से चलते हैं, तो किसी न किसी को लपेट में ले लेते हैं। जैसे ग्रामीणों कहना कि कुछ टाइम पहले भी यहाँ पर इन्होंने एक्सीडेंट किया था, तो उन्होंने उसको रुकवाया था और कहा था कि यहाँ से धीरे चलें या फिर दूसरे रास्ते चलें, लेकिन वो नहीं रुके और इसी प्रकार चलते रहे और आज एक उन्होंने एक बहुत बड़ी दुर्घटना को जो है अंजाम दे दिया है। कोई नहीं, तो बच्चियां बता रहे हैं भी तो ही है ना, तो ही बच्चियां लड़की लोगों में काफी आक्रोश है और बता रहे हैं कि नशे में ये थे। क्या कह रहे हैं आप जी? नशे में काम करा जी। अच्छा, नशे में थे? नशे में थे जी, एक टपका दूसरा फिर अंदर है तो दूसरा भी टपा जो ऊपर नो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो जी फिर एक डम फटप का दूसरा भी टपा जी, इतने नशे में थे जी, इतना बुरा हाल कर। फिर ड्राइवर भाग गए थे यहाँ से? ड्राइवर भाग गए दोनों भाग। अच्छा अच्छा, ठीक ठीक ठीक। हमारे साथ जजपा के हलका अध्यक्ष संजय जी जुड़ चुके हैं, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे? बहुत बड़ी ट्रेजेडी हुई है संजय जी। एक सबसे पहले तो मैं इस परिवार को अपनी तरफ से सहानुभूति देता हूं और सुबह से ही मैं इनके साथ ही हूं। जब ये हादसा हुआ सबसे पहले मैं यहां पहुंच गया था जी। अभी ने यहां पे पुलिस को, एम्बुलेंस को, सबके बुलाया, परिवार के, इसके माता पिता को और इसकी वाइफ। इसके पास सबसे दुख की बड़ी बात थी कि इसके पास छोटी छोटी बच्चियाँ, एक लड़के के पास दो बच्चे ही हैं और ये जो यहाँ डंपर है ये डेली इतनी रफ्तार पे चलते हैं। इनको समझाया भी गया, बार बार इनके लिए बोला भी गया इनको, और इसके बारे में आज हमने की वो भी सोचा है कि यहाँ से हम अपने उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी को जाके मिलके एक इससे बातचीत करेंगे और इनके ऊपर कोई ना कोई प्रतिबंध लगवाएंगे। अब जैसे परिवार गरीब है उसके बारे में विचार करना, उसके बारे में भी कुछ ना कुछ सोचेंगे, उसके बच्चियों के बारे में भी हम उप मुख्यमंत्री जी से अपने से बात करेंगे और इनके बारे में कुछ। ठीक है। हमारे साथ गांव के ही अशोक जी जुड़ चुके हैं। अशोक जी क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं इस रोड के बारे में ये कहना चाह रहा हूँ, अभी जब से नया रोड बना क्योंकि इसके पास रेलिंग की व्यवस्था नहीं है, जहाँ इसकी ऊंचाई ज़्यादा तो अभी तो इसमें और बहुत हादसे घटने की संभावना। जी जी जी। हाँ, भविष्य वहाँ ये बड़ी चिंता की बात है, अक्सर लोग इस बात की चर्चा कराए थे और ये सामने भी आएगा। इसके पास रेलिंग और सुरक्षा के मापदंड पूरे नहीं हैं, तो और भी खतरा हो सकता है, आग का इससे भी ज्यादा खतरा, रोड सुरक्षित नहीं है। हाँ जी हाँ जी। तो क्या कुछ होना चाहिए फिर रेलिंग वगैरह? इसके पास कुछ सेफ्टी ऐसे होनी चाहिए भी, नीचा साधन ना गिर सका, जो छोटे व्हीकल वाला वो अपना पैर हाथ लगा का साधन को रोक सका। अब दीवारें इनकी नीची, रेलिंग कोई है नहीं और रोड की ऊंचाई काफी है, यही कहना चाहूंगा। जी जी जी, धन्यवाद। तो एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी हुई है, दो युवाओं की मौत हो चुकी है और गलती सरासर दोनों डंपर ड्राइवरों की बताई जा रही है जो मौके से फरार हो गए हैं। तो सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए, डंपरों पर लगाम कसनी चाहिए, वरना आए दिन इस प्रकार की जो घटनाएं हमारे इस इलाके में हो रही हैं वो लगातार होती रहेंगी, घर बार लोगों के उजड़ते रहेंगे। तो सरकार को, प्रशासन को इस ओर विशेष ध्यान देना चाहिए होगा और जिनके साथ ये घटना घटी है उनको जरूर जो है पीड़ितों को मुआवजा सरकार की तरफ से देना चाहिए, प्रशासन की तरफ देना चाहिए। स्टेट न्यूज़ 71।